हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 13। तो बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में हमने यथार्थता और परिशुद्धता पढ़ी थी और त्रुटि का हमने एक चार्ट बनाया था। हमने कहा था कि भाई फिजिक्स का एक मूल आधार है मापन। बिना मापन के आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो जो हम मापन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होती है। हम त्रुटि को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। हम ये प्रयास कर सकते हैं कि वो जो त्रुटि हमसे हो रही है उसको मिनिमाइज़ कर लिया जाए, कम से कम कर लिया जाए, जिससे हमारा जो मापन है वो यथार्थता के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाए। तो बच्चों देखिए, त्रुटियाँ जो हमसे होती हैं, कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं, पहले हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ये प्रयास कर सकते हैं कि ये त्रुटि हमसे न हो। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी त्रुटियाँ आपको, बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे टाइप्स की त्रुटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन बच्चों, मेन त्रुटियाँ आप जो इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह में, वो ये हैं निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। इनको तो आप एक थोड़ा रफली समझ लीजिए, क्योंकि मेन त्रुटियां ये हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बच्चों पहले देखें, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि की बात करें, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, सकल त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, सॉरी बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि और औसत त्रुटि। फिर इनके भी टाइप्स हैं, तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि का क्या अर्थ है? देखिए क्रमबद्ध त्रुटि से अर्थ है कि कुछ त्रुटियाँ हमें ज्ञात कारणों से होती हैं, हमें जानकारी होती है उस समय, और समय परिवर्तन के हिसाब से होती हैं, भौतिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हो जाती हैं, यंत्रों की बनावट के कारण हो जाती हैं, वो सिस्टमेटिक एरर्स यानी क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती हैं। क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी है? सिस्टमेटिक एरर। तो ये भी फिर कई टाइप्स की हैं, जैसे यंत्रगत त्रुटि, बाह्य त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, वैयक्तिक त्रुटि। फिर यंत्रगत त्रुटि, अब इसकी चर्चा करते हैं। यंत्रगत त्रुटि उस यंत्र के कारण होगी, या तो उस यंत्र में कुछ डिफेक्ट है, यंत्र की बनावट के कारण हो रही है, या हमें उस यंत्र को सही ढंग से ऑपरेट करना नहीं आता है, हम उससे मापन करने की विधि का पूर्ण ज्ञान नहीं है उस यंत्र के बारे में, तो उस यंत्र के आधार पर जो त्रुटि होगी वो यंत्रगत त्रुटि होगी। उसको भी कई भागों में बांटा है, जैसे शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और नियत त्रुटि। तो सबसे पहले समझेंगे अब शून्यांक त्रुटि। देखिए शून्यांक त्रुटि का क्या अर्थ है कि आपने देखा होगा कि जब हम वर्नियर पैमाने से या पेच मापी से या गोलाई मापी से मापन करते हैं तो उनमें दो पैमाने होते हैं। तो इन दोनों पैमानों का, इसमें जैसे एक मुख्य पैमाना है, एक वर्नियर पैमाना है, पेच मापी में वो वृत्ति पैमाना हो जाता है, तो इन दोनों पैमानों पर जो शून्य है वो बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। हो सकता है कि वो एक सीध में न हो तो मापन में त्रुटि आ जाएगी। लंबाई जितनी है वास्तविकता में उससे हमें या तो कम मापित होके आएगी या उससे थोड़ी ज़्यादा मापित होके आ सकती है, वो क्योंकि शून्य दोनों पैमानों के एक सीध में नहीं है, तो वो कहलाती है शून्यांक त्रुटि। तो वर्नियर स्केल और मतलब वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाने के शून्य एक सीध में न होने के कारण जो त्रुटि होती है वो क्या कहलाती है? शून्यांक त्रुटि कहलाती है। फिर आती है अल्पतमांक त्रुटि। तो बच्चों देखें, इस त्रुटि को समझिए। अल्पतमांक त्रुटि यानी लीस्ट काउंट एरर, जो दूसरा मार्कर लेता हूं, अल्पतमांक त्रुटि, दैट इज लीस्ट काउंट एरर। तो बच्चों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई त्रुटि नहीं है, ये एक्चुअली उस यंत्र की एक विभेदन सीमा को बताती है। ये वैसे हम पढ़ रहे हैं अल्पतमांक त्रुटि, लेकिन अगर हम इसका सेंस लगाने की कोशिश करें तो वास्तविकता में ये कोई त्रुटि है नहीं। अब इसको समझेंगे तो अभी मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम किसी लंबाई का मापन मीटर पैमाने से करना चाह रहे हैं, किससे? मीटर पैमाने से। तो देखें भाई, मीटर पैमाना जो है, मीटर पैमाना
सेंटीमीटर में बटा होता है और हर सेंटीमीटर के दो क्रमागत सेंटीमीटर्स के बीच में 10 खाने और होते हैं जो मिलीमीटर को बताते हैं। तो मीटर पैमाने से हम 1 मिलीमीटर से कम की माप नहीं माप सकते। जैसे हम 5.6 सेंटीमीटर नापना चाह रहे हैं, इतनी लंबाई तो नाप लेंगे इससे। अगर कोई ये कहे कि इससे 5.63 लंबी रेखा खींच दो, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से कम की दूरी को नहीं नाप सकता। तो ये हम ये कह सकते हैं ये इसकी विभेदन सीमा है 1 मिलीमीटर। तो ये इसका दोष नहीं है इसकी, या दोष मानते हो तो त्रुटि का नाम दोगे, तो इसका दोष यही है कि इस पैमाने पर इससे छोटा कोई खाना है ही नहीं। तो वो उसकी बनावट है, उसकी विभेदन सीमा है, यही उसकी विभेदन सीमा, ये उसकी लिमिट है कि उससे थोड़ी, उससे छोटी दूरी का मापन, यानी 1 मिलीमीटर से छोटी दूरी का मापन नहीं कर पा रहा है। तो यही उसकी लीस्ट काउंट एरर की संज्ञा दे दी जाती है। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जो लीस्ट काउंट एरर होती है, जो यंत्र की अल्पतमांक है, उसको अनुमेय त्रुटि कह देते हैं, अनुमेय त्रुटि। ये बात आप मेनली ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ स्टार बना देता हूँ। अनुमेय त्रुटि की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो अनुमेय त्रुटि क्या हुई कि उसकी जो अल्पतमांक है किसी भी यंत्र की, वो अल्पतमांक उसकी अनुमेय त्रुटि कहलाएगी और उसके मापन में हम उतनी ही त्रुटि मानेंगे। जैसे मीटर पैमाने से हमने कोई नाप, कोई लंबाई, कोई दूरी का मापन किया, तो वो जितना आया उसमें अगर हम ये कहें कि इसमें अनुमेय त्रुटि कितनी है, तो उस मीटर पैमाने की अल्पतमांक कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो अनुमेय त्रुटि कितनी हो गई मीटर पैमाने के लिए, 1 मिलीमीटर की हो गई। अब देखें, ये इसकी विभेदन सीमा थी मीटर पैमाने की 1 मिलीमीटर तक। अब हम इससे छोटी दूरी, मिलीमीटर से भी छोटी, यानी 0.1 मिलीमीटर तक की दूरी नापना चाहें, जैसे दिस वन, इसमें 0.0, ये सेंटीमीटर है, तो इसको 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, तो ये 0.2 अंक तक बता रहा है। तो ये किसकी विभेदन सीमा है, बर्नियर पैमाने की। तो फिर हमें बर्नियर पैमाना इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसकी भी यही सीमा है, ये यही इसकी अनुमेय त्रुटि हो जाएगी। अगर बर्नियर पैमाने की अनुमेय त्रुटि पूछी जाए तो 0.1 मिलीमीटर, किसी भी माप में इतनी हम अनुमेय त्रुटि उसकी मान लेंगे। अब इससे भी छोटी दूरी नापना चाहते हो, जैसे ये 5.63 था, कोई ये कहे कि क्या आप 5.627 सेंटीमीटर की दूरी माप सकते हैं, तो फिर कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना होगा, पेच मापी, क्योंकि इसकी जो विभेदन सीमा है, जो लीस्ट काउंट है, वो कितनी है, 0.01 mm, यानी 0.001 सेंटीमीटर। तो इसकी जो अल्पतमांक है वही अनुमेय त्रुटि होगी। तो इसके माप में हम कितनी त्रुटि कह सकते हैं कि इसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, 0.01 mm की। तो आप बच्चों अल्पतमांक त्रुटि भी समझ गए और ये अनुमेय त्रुटि भी ध्यान रखेंगे कि लिस्ट काउंट के बराबर मान के चलेंगे अनुमेय त्रुटि को। वो यहाँ कहीं लिखी नहीं गई थी, वो इसी का एक हिस्सा है अल्पतमांक त्रुटि का। अब बच्चों अगली त्रुटि आती है, जैसे नियत त्रुटि की बात करें, तो नियत त्रुटि का अर्थ यह है कि कभी कभी क्या है कि हम कई बार ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, किसी माप को, किसी प्रेक्षण को बार बार कर रहे हैं, किसी मापन को बार बार कर रहे हैं और हर बार वही माप आ जाती है, तो इसका अर्थ क्या है, और हमें कुछ संदेह होता है कि ये माप सही नहीं है लेकिन बार बार उतनी ही आ रही है। वो ये हो सकता है कि उस यंत्र में ही अंशांकन गलत हुआ हो। जैसे कोई जब मीटर पैमाना बनाया गया, तो वो खाने जब बनाए गए तो खानों का जो डिवीज़न किया गया, हो सकता है 1 मिलीमीटर का फासला आ गया हो। तो जब भी आप कोई दूरी नापेंगे तो हमेशा 1 मिलीमीटर का अंतर ही देगी। मान लो इस तरीके से अंशांकन हो गया है कि वो माप 1 मिलीमीटर ज़्यादा बताती है, तो आप 5 मिलीमीटर की रेखा नापेंगे तो 6 बताएगी, 12 मिलीमीटर की रेखा नापेंगे तो 13 बताएगी, तो वो हर बार उतना ही बताएगी, क्योंकि उसके अंशांकन में ही गलती है, उस पर निशान ही गलत लगे हुए हैं। तो इस टाइप की त्रुटि क्या हो जाएगी बच्चों, नियत त्रुटि। तो आपने ये पोर्शन समझ लिया, क्रमबद्ध त्रुटि का एक हिस्सा यंत्रगत त्रुटि, और यंत्रगत त्रुटि के ये वाली त्रुटियाँ जो हो सकती हैं वो आपने ये पढ़ ली। फिर बाह्य त्रुटि की बात होगी, फिर अपूर्णता त्रुटि की बात होगी, फिर व्यक्तिक त्रुटि की बात होगी, तब हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां कंप्लीट होंगी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये ध्यान बना रहेगा।
तो बच्चों अब चलेंगे बाह्य त्रुटि को समझेंगे। तो जो बाह्य त्रुटियां हैं यानी जो बाह्य कारकों पर निर्भर करती हैं, बाह्य त्रुटि, बाह्य त्रुटि किस पर डिपेंड करेगी? बाह्य कारकों पर। आप मान लो कोई प्रेक्षण ले रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय टेम्परेचर कुछ हो और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बदल गया हो। तो कुछ मापन ऐसे होते हैं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो ताप पर निर्भर करती हैं, दाब पर भी निर्भर करती हैं, और उस वातावरण में ये भौतिक अवस्थाएं बदल रही होंगी तो आपके प्रेक्षण भी बदल जाएंगे क्योंकि वो उन भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर कर रही हैं। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करने का, तो वायु में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न टेम्परेचरों पर भिन्न भिन्न होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होगी क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आप जब रीडिंग ले रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अंतर क्यों आ रहा है, वो अंतर किस लिए आ रहा है, कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आप जब प्रयोग कर रहे थे तब भौतिक अवस्थाएं बदल चुकी, टेम्परेचर बदल गया, अचानक मौसम ख़राब हो गया, अचानक मौसम में ठंडक हो गई या अचानक गर्मी हो गई। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं जो बाह्य वातावरण बाह्य कारकों पर भौतिक अवस्थाओं पर डिपेंड करती हैं वो बाह्य त्रुटियां कहलाती हैं। बच्चों कौन सी त्रुटियां कहलाती हैं? बाह्य त्रुटियां। तो अब जैसे मैंने ये बताया कि ध्वनि की, अब जैसे प्रतिरोध, आप प्रतिरोध का मापन करें तो हमने अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये 12th में आगे पढ़ेंगे कि RT इक्वल्स टू R01 प्लस αT। जैसे ये प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोध है और ये टी पर, तो देखें टेम्परेचर बदल जाने पर यहाँ टी बदल जाएगा तो RT बदल जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होगा, 0 पर अलग होगा, 10 पर अलग होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होगा, 60 पर अलग होगा, समझ रहे ना। तो हम कभी कभी इन बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देते तो वो क्या हो जाता है, बाह्य त्रुटि हो जाती है। तो अब जैसे मैंने अभी बताया था कि ध्वनि की चाल जब ज्ञात कर रहे हैं तब ऐसी बात हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो बच्चों अभी ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होंगी क्योंकि आपने अभी ये कुछ पढ़ा नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जो हम ज्ञात करते हैं उसमें एक सरल लोलक लेते हैं, ये आपके 11th में प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, इसको करेंगे। तो इस लोलक को हम क्या करते हैं, यहाँ ला के छोड़ देते हैं और इसके दोलन प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके निश्चित दोलनों का समय नोट करते हैं, जैसे 20 दोलनों का, 25 का या 30 दोलनों का समय नोट किया, ठीक है, 30 दोलनों का समय नोट किया, मान लो 40 सेकंड आया, इससे आवर्तकार निकाल लेंगे कि 1 सेकंड का समय कितना होगा। तो बच्चों जब हमने ये आवर्तकाल निकाला है, क्योंकि देखें टी बराबर, मैं समझा दूँ, टी बराबर होता है 2π√, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, L/g, तो इससे स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर बराबर 4π² L/g। तो यहाँ से जब जी निकालोगे तो जी बराबर कितना हो जाएगा, जी यहाँ जाएगा 4π² L/t², ठीक है, जी बराबर कितना आ गया, 4π² L/t² आ गया। तो जी का मान निकालने के लिए आपको टी का मान निकालना होगा, आवर्तकाल। 30 दोलनों का समय 40 सेकंड, तो एक दोलन का समय कितना हो गया, 40/30 यानी 4/3 सेकंड। तो ऐसे टी निकाल लेंगे, ये आवर्तकाल आ गया 1 सेकंड का समय, समझ रहे हैं बच्चों, वो एक दोलन का जो समय है वो आ गया आवर्तकाल। तो आवर्तकाल निकाल के यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, और एल क्या है, इस लोलक की लंबाई नाप लेते हैं, इसमें गोलक की त्रिज्या भी जोड़ी जाती है। जैसे लोलक की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, जैसे ये लोलक है तो यहाँ से यहाँ तक तो धागा मान लिया, और इस गोले की त्रिज्या पेच मापी से नाप ली, वो सॉरी उससे बर्नियर कैलिपर से नाप ली, और यहाँ तक उस त्रिज्या को इस लंबाई में जोड़ दिया, तो ये लंबाई यानी गोले के केंद्र से यहाँ तक की, ये लोलक की प्रभावी लंबाई कहलाती है। आगे पढ़ेंगे इसको आप, तो आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, इसलिए मैं केवल यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ त्रुटियों को। तो अब देखो, एल आपने माप लिया, टी माप लिया, यहाँ रख दिया, तो आपने जी का मान निकाला। तो इसमें जो त्रुटि आई होगी वो क्यों आई होगी, क्योंकि जब आपने इसके जैसे दोलन लिए, जब आप इसके दोलन ले रहे थे तो उस समय वायु का घर्षण भी मौजूद था, बात समझ रहे हैं, और उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे, आप ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है। तो आवर्तकाल में जो वास्तविक आवर्तकाल होगा और आपने निकाला है उसमें अंतर आएगा, तो जी के मान में भी अंतर आएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि जो त्रुटियां बाहरी कारणों पर निर्भर करती हैं, जिन पर आपका कोई बस नहीं है, आप केवल इतना कर सकते हैं कि सावधानी रखिए कि टेम्परेचर बदल रहा है तो उसको नोट करिए। उस प्रयोग को करते समय वो जो प्रेक्षित राशियां हैं वो किन किन बाह्य कारकों पर निर्भर करती हैं, उन सब पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे दाब पर निर्भर करती है, वो राशि दाब के बदलने से बदल जाती है, तो आपको दाब भी नोट करते रहना चाहिए। टेम्परेचर के साथ बदलती है तो टेम्परेचर भी नोट करना पड़ेगा। आर्द्रता बदलने पर बदल रही है तो आर्द्रता भी नोट करनी होगी। तो बच्चों, ये रही बाह्य त्रुटि, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों, अगली त्रुटि पर चलते हैं, अपूर्णता त्रुटि। ये सब क्रमबद्ध त्रुटियों का ही एक प्रकार हैं। तो अपूर्णता त्रुटि बच्चों यंत्र की अपूर्णता के कारण होती है कि उस यंत्र की जो क्रियाविधि है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे आपने ऊष्मा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ऊष्मा के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें ये कहा जाता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा होती है। तो अब जब आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, मान लो किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैलोरी मापी ने कितनी ऊष्मा ली, उसका मापन करेंगे। तो अब होता क्या है कि कैलोरी मापी, जैसे ये कैलोरी मापी है बच्चों, और इसमें कैलोरी मापी ने जो ऊष्मा ली, अब उस ऊष्मा का कुछ हिस्सा वो विकिरण के रूप में बाहर भी निकाल देगा, जिसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपके रीडिंग में कमी आ जाएगी। मतलब त्रुटि आ जाएगी। आप जो भी परिणाम निकालेंगे उसमें त्रुटि आ जाएगी, क्योंकि आप उस ऊष्मा का मापन नहीं कर पा रहे हैं जो कैलोरी मापी उस धातु से लेकर बाहर के वातावरण को भी विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर रहा है, उसका मापन आप नहीं कर रहे हैं इस प्रयोग में, तो इसलिए त्रुटि आना निश्चित है। तो ये अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। तो ये यंत्र के कारण ही हुई है, वो यंत्र कर रहा है ऐसा, तो इसलिए ऐसी त्रुटि क्या कहलाएगी, अपूर्णता त्रुटि। इसके बाद बच्चों आती है वैयक्तिक त्रुटि। देखें, वैयक्तिक त्रुटि का अर्थ यहाँ ये है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक गलत आदत अपने अंदर पैदा कर सकता है। हो सकता है कि वो गलत तरीके से मापन करता हो, या उसने ऐसी आदत बना ली हो कि वो रीडिंग ही गलत ले लेता है। कैसे गलत ले लेता है कि जैसे बच्चों देखो, जब हम धारामापी में विक्षेप पढ़ते हैं तो यहाँ एक मिरर की पट्टी लगी होती है, शीशा, इसमें दर्पण होता है यहाँ, जिसमें आपको, और इस पर एक पॉइंटर होगा जो पॉइंटर रीडिंग बताएगा। जैसे ऐसे यहाँ खाने होंगे, डिवीजन्स होंगे। अब मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है और यहाँ 10 खाने हैं जैसे। तो देखें, कायदा क्या होता है इसकी रीडिंग लेने का। अब मान लो वो व्यक्ति जल्दबाजी में इधर से ही रीडिंग ले लेता है, जैसे गैल्वेनोमीटर है और यहाँ से देख लिया उसने, उसको लग रहा है कि 4.1235 पर है, यानी 4.5 रीडिंग है, सपोज वो ये कह रहा है, ठीक है, क्यों, उसने साइड से देख लिया ऐसे करके। अब कायदा क्या है कि इसको एक आँख बंद करके, इस रीडिंग को एक आँख बंद करके आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे आप एक मीटर पैमाना लीजिए ऐसे, और किसी पेंसिल को किसी खाने की सीध में थोड़ा ऊपर उठा के रखिए और ऊपर से देखिए तो रीडिंग पढ़िए, आपको लग रही है कि 5.6 है। साइड से देखेंगे तो वो खाना आपको हटा हुआ नज़र आएगा, आपको 5.4 पर लग सकता है, 5.3 पर लग सकता है, अलग जगह होगा, तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो सही रीडिंग कैसे ली जाएगी कि बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सिर करिए, एक आँख बंद करिए और इस पॉइंटर का प्रतिबिंब इस शीशे में देखिए, उसमें जो दर्पण लगा हुआ है उसमें उसका प्रतिबिंब देख के उस प्रतिबिंब को ढक देंगे, यानी लंबन दूर कर लिया, यानी प्रतिबिंब जो हमें दिख रहा था आँख को ऐसी जगह लाएंगे कि हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाए, केवल संकेतक दिखाई दे। तो इसका मतलब हम एक सीध में रख के रीडिंग पढ़ रहे हैं तब वो रीडिंग सही आएगी। तो ऐसी त्रुटि क्या हो जाएगी, वैयक्तिक त्रुटि। ये एक व्यक्ति विशेष की त्रुटि है, वो गलत तरीके से रीडिंग ले रहा है, तो उस यंत्र की त्रुटि नहीं है, ये वैयक्तिक त्रुटि है। तो बच्चों, ये क्रमबद्ध त्रुटियां पूरी हुई, ठीक है। तो आप, अब हम आगे चलेंगे
कौन कौन सी रह गई, यादृच्छिक, सकल त्रुटि, ये सारी हो गई। ये तो हमने क्रमबद्ध त्रुटियां पूरी बता दी, व्यक्तिगत त्रुटियां हो गई। अब दिस वन, इसको चलेंगे। पहले मैं इसको साफ करता हूं बच्चों। तो बच्चों अब आगे चलते हैं अगली, यादृच्छिक त्रुटि, दैट इज रैंडम एरर। तो देखिए, यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर से अर्थ ये है कि आप किसी भी प्रेक्षण को, किसी भी मापन को कई बार करिए तो आपको ये दिखेगा कि हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट मान आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक सा मान क्यों नहीं आ रहा, यही रैंडम एरर है। यानी हर बार मान अलग आ रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे आप सरल लोलक का प्रयोग कर रहे हैं, इस ये एक सरल लोलक है, इसको मैंने दोलन करा दिया, यहाँ ला के छोड़ दिया, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ से इधर आएगा, तो ऐसे इसके दोलन प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब मान लो आप 20 दोलनों का समय नोट कर रहे हैं, या मान लो 30 दोलनों का समय नोट कर रहे हैं। 30 दोलन का समय कैसे नोट करेंगे कि आपने यहाँ इसको ले आए, बात समझे ना। जैसे ही आप यहाँ से छोड़ेंगे, आपको एक स्टॉप वॉच दी जाएगी, आप स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा दिस, और फिर लौट के जब यहीं आ गया तब उसका एक दोलन माना जाएगा, आप गिनेंगे एक। जब छोड़ेंगे तब आपकी स्टॉप वॉच शून्य पर थी और यहाँ भी आप शून्य पढ़ेंगे, आपने एक हाथ से इसको छोड़ा, एक हाथ से घड़ी को ऑन किया, आपने पढ़ा शून्य। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। जैसे ही 30 तक आप पहुँचेंगे घड़ी बंद कर देंगे और फिर टाइम देख लेंगे कितना टाइम हो गया। तो आपने मापन किया 30 दोलनों के समय का, मान लो वो आया 40 सेकंड, फिर आपने अगली बार किया तो अगली बार हो सकता है 42 सेकंड आ जाए, फिर अगली बार किया तो हो सकता है 39 सेकंड आ जाए, फिर अगली बार किया हो सकता है 43 सेकंड आ जाए, फिर अगली बार किया हो सकता है 41 सेकंड आ जाए, फिर अगली बार किया हो सकता है कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, फिर 42 सेकंड आ जाए। यानी मतलब अलग अलग आ रहा है, कोई एक मान नहीं आ रहा, जबकि दोलन हम 30 ही नोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। और ऐसी त्रुटियां कम से कम हो जाएं, मतलब इस त्रुटि को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रेक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा बार लेते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप प्रेक्षण लेंगे, बात समझ रहे हैं, उतना ही आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस राशि के वास्तविक मान के नज़दीक पहुंच जाएंगे, त्रुटि कम से कम हो जाएगी। तो अब है क्या, एक बात समझ लें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई आपके बस में नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सकें। ये एक्चुअली केवल सांख्यिकीय उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है, जिसे सांख्यिकीय उच्चावचन कह देते हैं। क्या शब्द देते हैं? सांख्यिकीय उच्चावचन। यानी जो डाटा है हमारे पास वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उनमें उतार चढ़ाव हो रहा है। उच्चावचन का मतलब उतार चढ़ाव से है। तो जो हमारे डाटा आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षण लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि जैसे मान लो आपने एन बार प्रेक्षण लिए, और वो प्रेक्षण क्या थे, मान लो पहला प्रेक्षण X1, फिर X2, X3, यानी जैसे ये वैल्यू हैं T1, T2, T3, T4, T5, इन समय का नाम लेंगे। किसी भी राशि का मापन कर रहे हो आप, X1, X2, X3, X4 एंड सो ऑन अप टू XN। तो होता क्या है कि एक सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो N बार जब आप रीडिंग लेंगे, N संख्या बहुत बड़ी हो तब N/2, लगभग N/2 मान, यानी आधे मान वास्तविक मान से थोड़ा ज़्यादा होंगे और लगभग आधे मान वास्तविक मान से थोड़ा कम होंगे। जैसे मान लो वास्तविक मान यहाँ पर 41 सेकंड है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो देखो 42 भी आ रहा है, 41 से कम भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ तो बहुत कम रीडिंग है, बहुत सारी जब रीडिंग लेंगे तब लगभग आधी रीडिंग वास्तविक मान से ज़्यादा होंगी और लगभग आधी रीडिंग वास्तविक मान से कम होंगी। तो जब आप इनका औसत निकालेंगे तो जो औसत निकल के आएगा वो औसत वास्तविक मान के बहुत निकट पहुंच जाएगा, यानी यथार्थता काफ़ी होगी। इसलिए हमें प्रेक्षण लेते समय कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, प्रेक्षणों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए जब हम लेबोरेटरी में प्रयोग करने जाएं या कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
प्रयोग के दौरान परीक्षणों की संख्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी होगी। तो बच्चों ये रैंडम एरर आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ध्यान रहे क्या समझाया था। तो बच्चों अब चलते हैं सकल त्रुटि पर। हम अब बच्चों इन त्रुटियों का इंतजार कर रहे हैं कि इनको कब पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इनसे ज़्यादा काम पड़ेगा बच्चों, लेकिन भाई इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूँ। तो इनको तो एक फ्रेश मूड से नए तरीके से पढ़ाएंगे ही डिटेल में, तो अभी केवल और जो त्रुटियाँ हैं उनका ज्ञान तो होना चाहिए। तो अब चलते हैं सकल त्रुटि यानी ग्रॉस एरर। तो बच्चों इस त्रुटि को त्रुटि न कह करके ये आपकी लापरवाही या आपकी भूल कही जा सकती है। मतलब सकल त्रुटि जो है इसमें आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं, आप में समझ रहे हैं कैसे कि सकल त्रुटि का अर्थ ये है कि जैसे आपने जो प्रयोग आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं उस प्रयोग के अरेंजमेंट कि उसका सर्किट कैसे बनेगा, उस उपकरणों को कैसे व्यवस्थित करना है, किस तरीके से लगाना है, आपको यही ज्ञान नहीं है तो आपकी रीडिंग तो गलत आएंगी ही। बात समझ रहे हैं बच्चों, आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है तो गलतियां तो करेंगे ही, या ऐसे कह लें आपकी लापरवाही गलती कर सकती है, आप रीडिंग लेते समय गलती कर सकते हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दी में हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक्सपेरिमेंट कर लें। एक्सपेरिमेंट जल्दी से जल्दी नहीं होता है, बड़े पेशेंस से, बड़े धैर्य से और बड़ी सावधानी पूर्वक परीक्षण लेने चाहिए कि त्रुटियां कम से कम हों। अब होता क्या है कि आपने रीडिंग पढ़ी 25.6, कोई रीडिंग आपने पढ़ी 25.6 और कॉपी पर लिख गए नोट करते समय ये, तो ये है, ये किसकी त्रुटि है भाई? आपकी लापरवाही की, आपकी जल्दबाजी की, समझ रहे हैं? तो ये एक सकल त्रुटि का एक प्रकार है बच्चों, आपकी लापरवाही से होगी। तो इस त्रुटि को त्रुटि न कह करके आपकी भूल कहना ज़्यादा उचित है, आपकी लापरवाही कहना ज़्यादा उचित है। आपको उस यंत्र की डिविजन्स, आप जैसे गैल्वेनोमीटर का पार्ट ले रहे हैं, आपने यही नहीं देखा कि छोटे खाने कितने हैं, लीस्ट काउंट आपने गलत निकाल ली। मान लो यहाँ एक बोल्ट है, एक बोल्ट बोल्ट मीटर है, मान लो यहाँ एक बोल्ट है, यहाँ दो बोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर खाने हैं 5, 1, 2, 3 इस तरीके से, और आपने जल्दबाजी में क्या कर लिया कि ज़्यादातर 10 होते हैं, पिछली बार बोल्ट मीटर हमें मिला था उसमें 10 खाने थे, तो आपने अल्पतमांक निकाल लिया, 1 से लेकर 2 तक का अंतर 1 हो गया, 1 बोल्ट में 10 का भाग कर दिया कि 1 खाने का मान 0.1 बोल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन इसके अंदर हैं, तो 1 खाना कितने का हुआ, 1/5 ही तो करेंगे, तो 0.2 बोल्ट का है, तो आपकी सारी रीडिंग तो गलत वैसे ही आएंगी, आपका परिणाम गलत आएगा जो निकालेंगे। आप कहेंगे सर गलती कहाँ हो रही है, तो जल्दबाजी में आपके द्वारा बहुत सारी भूल हो सकती हैं। आप उस प्रयोग के उपकरणों का पूरा मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग लेते समय जल्दबाजी कर रहे हैं और लीस्ट काउंट नहीं देख रहे हैं। और अब मान लो जैसे हमने आपको सरल लोलक का, आपको उस प्रयोग करने का सही ज्ञान नहीं है, हमने सरल लोलक आपको दिया और कहा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालिए, तो आपको जो लोलक मिला है आप क्या करते हैं कि इस लोलक को यहाँ से बहुत दूर तक खींच लाते हैं, फिर छोड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े दोलन करा रहे हैं, तो भाई आवर्तकाल में अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये एक सरल आवर्त गति होनी चाहिए जबकि ये एक वृत्ति गति हो गई। सरल आवर्त गति के लिए ज़रूरी है, अभी मैं आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि आयाम छोटे से छोटा हो तो आपको थोड़ी दूर ले जा करके ही छोड़ना था और आपने बहुत लंबा खींच दिया, तो ये आपकी अज्ञानता के कारण हुई है, आपकी लापरवाही से हुई है, आप पढ़ के नहीं आए थे कि आयाम कितना रखना है, कम से कम रखना है जिससे ये वाला कोण बहुत छोटे से छोटा हो और आपने ये कोण इतना बड़ा रख दिया। तो सरल आवर्त गति की जगह आप वृत्ति गति कराने लगे। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की गलतियां जो जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं वो सकल त्रुटियां हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि ये त्रुटियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों ये मेन त्रुटियां हैं, इनकी त्रुटि इन त्रुटियों की चर्चा
आज नहीं करेंगे क्योंकि सब मिक्स कर लोगे, क्योंकि हमें इन्हीं से ज़्यादा काम है। तो इनको हम ठंडे दिमाग से नए लेक्चर में नए तरीके से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो तब तक आप इसका रिवीजन करिए। ओके, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में इन त्रुटियों के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।